गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारिया जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया जी? बच्चा कहना बहुत वधिया। तुसी सुनाओ की हाल चाल? आपा एकदम वधिया जी। तो आज मैं लाइव नहीं आया, आज मैं लाइव प्रीमियर डाल रहा हूँ सर, क्योंकि कल बहुत दिक्कत आ रही थी और कल इतना मैं डिस्टर्ब हुआ ना, सही बता रहा हूँ। आपके मैसेज देख देखे, कभी ऑफलाइन, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी ऑनलाइन, वो सारा मजा खराब हो गया, ठीक है नी। तो आज सुबह से भी नेट में दिक्कत आ रही है। अब मेरे को ये था कि आपकी क्लास स्मूथली चलनी चाहिए। देखो पढ़ने से मतलब है, सिंपल सी बात है। हाँ वो बात अलग है कि मैं अभी तनुषी का नाम नहीं ले पाऊंगा, वो बात अलग है कि मैं अभी नवनीत का नाम नहीं ले पाऊंगा, मनप्रीत का नाम नहीं ले पाऊंगा, शिवानी का नाम नहीं ले पाऊंगा, साक्षी का नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत अलग है कि मैं आयुष का नाम नहीं ले पाऊंगा, वो बात अलग है कि मैं सूरज का नाम नहीं ले पाऊंगा। बट टेंशन मत लेना, सबका नाम मैं दिल से लेके चल रहा हूँ सर। तो आपने चुप करके यहाँ पे बैठ के पढ़ना है सर, क्योंकि पढ़ाई से मतलब है, हमारे को रिविजन करनी है, बात खत्म जी, ठीक है। फिर वो बीच में बार बार डिस्टर्बेंस होते हैं ना, कई सारे मतलब 10 से 15 मिनट वेस्ट होते हैं, मुझे बढ़िया नहीं लगता। और इस टाइम टाइम हमारा बहुत क्रूशियल है, ठीक है जी। चलो इधर सुना ध्यान से। अब एक तो रात को प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हमारा थोड़ा सा रह गया था, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अब जो मेरी क्लास होगी 7 से 8 बजे तक, एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई में कंप्लीट करा दूंगा। और एक काफी सारे बच्चों को ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो डाउट क्यों आ रहे हैं, कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर जो अमेंडमेंट आई है ना डेबिट नोट क्रेडिट नोट में, एक बार प्लीज वो समझा दो, ठीक है जी। तो एक बार डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझा दूंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर खत्म करा दूंगा। उसके बाद फिर रात को जब 9 बजे मुलाकात करेंगे ना, उसमें एक तो रिफंड वाला चैप्टर करेंगे जी, ठीक है। क्योंकि आपको दिक्कत किसमें है, रिफंड वाले चैप्टर में दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि काफी सारे बच्चों के डाउट्स मेरे पास आए हैं, रिफंड वाले चैप्टर में दिक्कत है, उसके क्वेश्चंस में दिक्कत है। तो रात को 9 बजे चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिफंड वाला, उसकी रिविजन भी करवा दूंगा, उसके क्वेश्चन भी करा दूंगा। अगर टाइम बच गया तो इनकम टैक्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हुए, उसको साथ के साथ ही मैं कंप्लीट करा दूंगा, अगर टाइम बच गया तो। और अगर टाइम नहीं बचा तो फिर वीक में किसी भी डे में बीच में देख लूंगा, मतलब कोई भी दिन देख लूंगा, उसमें मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है जी। अब ये मत कहना कि सर रिवर्स चार्ज बचा है, एग्जम्पशन बची है, तो पूरा जीएसटी बचा है सर, ठीक है। तो चुप करके अपने रिविजन करते रहो। देखो मैंने पहले भी कहा था कि जो मैं करवा रहा हूं उसको एडिशनल मान के चलो सर, मतलब ये लगा लो कि आपने एक बार रिवीजन पहले कर लिया, उससे डबल रिवीजन आपकी हो रही है। अब ये मत कहो कि सर ये तो हमारा रिवाइज ही नहीं हुआ, ठीक है जी। बाकी कोशिश पूरी करूंगा कि जो भी आपने मुझे कहा है कैसे भी करके वो सारा मैं कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। बट कमिटमेंट नहीं करा। देखो सर जितना टाइम मिलता ना आपके ऊपर लगा देता हूँ जी, जितना भी टाइम मिलता है। कल एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके ऊपर लगेगा, तो टाइम तो मेरा मैं कहीं वेस्ट नहीं होने दे रहा। बट कोशिश करूंगा कि जो भी आपने मुझे कहा है उसको मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूं, ठीक है जी। स्टार्ट करें क्लास पक्का पक्का। जितने बच्चे अब सामने बैठे हैं, क्योंकि बच्चे तो अप्रोक्सीमेट वही 50-60 बच्चे सामने बैठे हैं, बट जितने भी सामने बैठे हैं आपने लास्ट तक बैठना है सर, क्योंकि जिन बच्चों को ये है कि नहीं हम तो बाद में देख लेंगे, बाद कभी नहीं आती सर, मैं दोबारा कह रहा हूं बाद कभी होती नहीं है। और अब तो 8 दिन एग्जाम के बचे हैं, तो बाद का तो मतलब ही नहीं है जी, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, आओ एक बार स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लास्ट क्लास में हमने प्लेस ऑफ सप्लाई की कल हम रिवीजन कर रहे थे, जब बीच में हमारा नेट बंद हो गया था। एक बार फटाफट से ना जो कल हमने कंप्लीट भी किया था ना, एक बार उसकी भी फटाफट से रिवीजन करवाने जा रहा हूं जी, ठीक है। उसके बाद फिर जो बैलेंस होंगे उसकी भी हम रिवीजन कर लेंगे। अब फटाफट से ना एक बार प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। अब प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है जी, मुझे फटाफट से ना चैट बॉक्स में लिखते रहना। देखो मैं चैट सबकी पढ़ूंगा जी, ये मत सोचना कि मैं चैट नहीं पढ़ूंगा जी, मैं चैट सबकी पढ़ूंगा। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे फटाफट से लिखना प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया कहां पर माना जाएगा, दैट इज पीयूएस। एक चैप्टर आपने क्लास में किया था टाइम ऑफ सप्लाई, उसका मतलब क्या था कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया कब माना जाएगा, वो सारी की सारी बातें टाइम ऑफ सप्लाई की है। अब टाइम ऑफ सप्लाई के जो प्रोविजन है वो भी आपके किसमें कवर होते हैं जी, याद करो। टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन किसमें कवर होंगे, वो भी आपका सेक्शन 12 होगा, वो भी आपका 13 होगा, वो भी आपका 14 होगा, बट वो सीजीएसटी एक्ट के होंगे। और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 10 में कवर है, 11 में कवर है, 12 में कवर है, 13 में कवर है, बट वो सारे किसके हैं, आईजीएसटी के। तो टाइम ऑफ सप्लाई की बातें सीजीएसटी में होती है और प्लेस ऑफ सप्लाई की सारी बातें आपकी आईजीएसटी में होती है।
अब दूसरा, फिर मैंने कल की क्लास में एक रिवीजन करवाई थी कि जब भी आप सप्लाई करोगे या तो सप्लाई गुड्स की होगी या वो सप्लाई सर्विस की होगी। अब अगर वो सप्लाई गुड्स की होगी तो सेक्शन 10 और 11 एप्लीकेबल होगा, अगर सप्लाई सर्विस की होगी उस केस में 12 और 13 की एप्लीकेबिलिटी आएगी। अब सेक्शन 10 हमने कल कंप्लीट किया था, 11 हमने कल कंप्लीट किया, 12 और 13 अभी मैंने बोला ही था कि बीच में अटक गया था, उसके बाद फिर मैं आ ही नहीं पाया जी। ठीक है जी, एक बार फटाफट से एक बार सेक्शन 10 की रिवीजन करते हैं। सेक्शन 10 ये बात कहता है कि अगर कोई पर्सन गुड्स की सप्लाई करेगा, नॉर्मल केस में होगा 10 एप्लीकेबल होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले केस में अगर गुड्स की सप्लाई करोगे उस केस में सेक्शन 11 एप्लीकेबल होगा। पहले सेक्शन 10 की बात करते हैं। सेक्शन 10 ये बात कहना चाह रहा है कि अगर आपकी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मेरी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा उस केस में पीओएस क्या निकल जाएगा, जो गुड्स की डेस्टिनेशन होगी, जो टर्मिनेशन पॉइंट होगा वो तुम्हारा पीओएस निकल जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जब भी हमारे एग्जाम में कभी क्वेश्चन बने, अच्छा कल ना कई बच्चों के लाइव चैट बॉक्स में डाउट्स आ रहे थे कि सर क्या प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, सोनी 200% चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा जी। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 नंबर का बनेगा, ये नहीं कह रहा 8 नंबर का बनेगा, बट हाँ 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर बन सकता है और कंफर्म बनेगा, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, इग्नोर नहीं आप कर सकते सर, और बिल्कुल बेसिक बातें हैं, सिर्फ 1 घंटा साथ बैठ जाना, पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा जी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि आपने जो भी सप्लाई की है उस सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करता है, तो फिर पीओएस क्या निकल जाएगा, जो गुड्स की डेस्टिनेशन होगी वो लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीओएस निकल के आएगा। फिर गवर्नमेंट कहना चाह रहे कि अगर बिल टू शिप टू वाला केस है, बिल टू शिप टू वाले केस में क्या होगा, मान लो मैंने आपको सामान बेचा, आपने मुझे फोन कर दिया, फोन करके बोला हेलो विवेक ये सामान मुझे मत भिजवाना, मेरे बिहाफ में ना इसको भिजवा देना, मैं रहने वाला हूं दिल्ली का, आप हरियाणा के, सामान जा रहा है पंजाब में। अब अगर दिल्ली वाले ने हरियाणा वाले को सामान बेचा, हरियाणा वाले की डायरेक्शन से ये सामान पंजाब में जा रहा है, तो जो हरियाणा की लोकेशन होगी, मतलब आपकी लोकेशन जो होगी वो इसका पीएस बनेगा, बस ये बात ध्यान देना। तो गवर्नमेंट सिंपल सी बात कहना चाह रही है कि भैया बिल टू शिप टू वाले केस में जो एक्चुअल बायर होगा, जो फर्स्ट बायर होगा, जिसने डायरेक्शन दी होगी, उसकी लोकेशन जो होगी वो पीएस बनेगी। सेकंड पॉइंट आपका ये निकल के आ रहा है, ये बात क्लियर होती रही। एक बार दोबारा से रही, अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा, अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा, गुड्स की डेस्टिनेशन जो होगी वो पीएस बनेगा। अगर बिल टू शिफ्ट वाला केस होगा, तो जो फर्स्ट बायर होगा, जो एक्चुअल बायर होगा, वो जो होगा वो क्या बन जाएगा, पीएस निकल के आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता, मान लो आपने कोई भी सप्लाई की, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता रही, अच्छा मूवमेंट इन्वॉल्व करता है और मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता, कोई फर्क मुझे बताएगा जी, जल्दी बोलो फटाफट से, कोई फर्क मुझे बताएगा जी, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, हाँ जी कनिका, कोमल, तनुषी, साक्षी, नवनीत, रमेश, आयुष, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, फटाफट बताओ, अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो सामान साथ में या सामान बाद में, सामान बाद में, और अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता, इट मीन्स आप सामान साथ में लेके आ रहे हो, और अगर आप सामान साथ में लेके आओगे, सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता, तो फिर जो डिलीवरी पॉइंट होगा वो तुम्हारा पीस निकल के आएगा जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, फिर जो आपका डिलीवरी पॉइंट होगा वो लोकेशन जो होगी वो पीएस निकल जाएगा। थर्ड पॉइंट ये कहना चाह रहा है, देखो जी अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता, उस केस में डिलीवरी पॉइंट जो होगा ये तुम्हारा पीएस निकल के आएगा। अगला फिर पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर गुड्स असेंबल हो रहे हैं, याद करो सर मैंने पहले भी आपको कई बार कहा था क्लास के अंदर कि यार बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है जो असेंबल्ड होती है, याद करो पुराने जमाने में कंप्यूटर भी असेंबल होता था, याद आ रहा कुछ आपको, कंप्यूटर असेंबल करते थे, मतलब डेस्कटॉप किसी और का, उसके बाद यूपीएस किसी और का, सीपीयू किसी और का, माउस किसी और का, कीबोर्ड किसी और का, सोच के बोला अगर असेंबली वाला पॉइंट होगा तो जहां पे वो गुड्स की असेंबली होगी वो लोकेशन जो होगी वो पीएस बनेगा, बस ये बात ध्यान दीजिए। जहां से आपने अलग अलग सामान परचेस किया उसकी लोकेशन नहीं कह रहे, जिसने सामान परचेस किया उसकी लोकेशन नहीं कह रहे, जहां पे वो गुड्स की असेंबली होगी, असेंबली पॉइंट जो होगा वो उसका पीएस निकल जाएगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगर ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस है, ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस मतलब जो आपको रास्ते में खाने पीने का सामान मिलता है जी, ट्रेन में, एरोप्लेन में, जो भी आपको खाने पीने का सामान मिलता है, तो जब वो सामान उस ट्रेन में चढ़ा होगा, जब वो सामान उस ट्रेन में चढ़ा होगा, उसकी लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीएस निकल के आएगा। देखो रे टेकन ऑन बोर्ड मतलब जब वो सामान वहां पे चढ़ा होगा उसकी लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीएस निकल के आएगा। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बोल देना 5 केस कौन कौन से निकल गए, सबसे पहला केस कौन सा निकल कर, जल्दी चैट बॉक्स में लिखना है सर। देखो सिंपल सी बात है, फिर मैं नाराज हो जाऊंगा सर, देखो मैं सारे मैसेज पढ़ रहा हूं, फिर मत कहना कि मैं आपको देख नहीं रही।
फटाफट से लिखो जल्दी चैट बॉक्स में लिखो। सबसे पहला पॉइंट क्या निकल कह रहा है सर, अगर सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो डेस्टिनेशन बनेगा, अगर बिल टू शिफ्ट वाला केस होगा जिसने डायरेक्शन दी होगी वो बनेगा, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता फिर डिलीवरी पॉइंट बनेगा, अगर असेंबली वाला केस होगा फिर जहां पे असेंबली करेंगे वो बनेगा, और अगर फिर लास्ट में ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस की बात होगी तो जहां टेकन ऑन बोर्ड होगा मतलब जहां पे वो सामान चढ़ेगा उसकी लोकेशन जो होगी वो पीएस निकल जाएगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ये बात क्लियर होती है। फिर अगला सेक्शन 11 ये बात कहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले केस में क्या होगा भाई, अगर किसी पर्सन ने गुड्स इंपोर्ट की है या अगर किसी पर्सन ने गुड्स एक्सपोर्ट किया उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा। पूरे विश्व के महाज्ञानी मेरे सामने बैठे हैं जी, पूरे विश्व के महाज्ञानी मेरे सामने बैठे हैं, सोच समझ के मुझे आंसर देना सर, इंपोर्ट वाले केस में क्या हमें जीएसटी एप्लीकेबल करना है? आंसर इज यस। क्या एक्सपोर्ट वाले केस में हमें जीएसटी एप्लीकेबल करना है? आंसर इज नो। अब सोच के बोला इंपोर्ट वाले केस में सप्लायर बाहर का होगा, इंपोर्ट वाले केस में सप्लायर बाहर का होगा, रिसीवर इंडिया का होगा, क्योंकि अगर मैंने सामान इंपोर्ट किया होगा तो मैं इंडिया का हूं, जिससे मैंने सामान इंपोर्ट किया वो बाहर का है। अब अगर मुझे जीएसटी एप्लीकेबल करना है तो क्या इसका पीयूएस मैं इंडिया में बनाऊं या इंडिया से बाहर बनाऊं, क्योंकि जैसे ही इंडिया से बाहर बनाऊंगा तो सप्लायर बाहर का, पीयूएस बाहर होगा, रिसीवर इंडिया में होगा, उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन बिंग, क्योंकि जीएसटी लगना ना लगना वो प्लेस ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करता है ना कि रिसीवर पर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब इंपोर्ट तो हमें टैक्सेबल कर रहे हैं, अब अगर इंपोर्ट हमें टैक्सेबल करना है उस केस में क्या करेंगे, सप्लायर बाहर का होगा, रिसीवर इंडिया का है, तो जो इंपोर्टर की लोकेशन होगी वो इसका पीयूएस बन जाएगा। बस ये बात ध्यान दो जी। और एक्सपोर्ट वाले केस में जो बाहर वाला पर्सन है उसकी लोकेशन जो होगी वो पीयूएस बनेगा, उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बार चेक करो देखो जी, इंपोर्टर वाले केस में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर मतलब इंडिया में, एक्सपोर्ट वाले केस में आउटसाइड इंडिया मतलब जिसने जिसको हमने सामान एक्सपोर्ट किया होगा उसकी लोकेशन जो होगी वो पीएस बनेगा। इस केस में कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी, इस केस में जीएसटी की बातें होंगी जी, ठीक है। तो फाइनली अब जाके हमने दो सेक्शन पूरे कंप्लीट कर लिए, हमने 10 पूरा कंप्लीट कर लिया, हमने 11 पूरा कंप्लीट कर लिया, कल हमने ये कंप्लीट कर लिए थे। अब देखना है यहाँ पे, अब जो अगले पॉइंट निकल के आ रहे हैं, अगला पॉइंट आ रहा है कि अगर मान लो सर्विस की सप्लाई की है उस केस में पीयूएस क्या निकल के आएगा। अब सर एक बात में सोच के बताना जी, सर्विस वाले केस में ना दो केस निकल के आते हैं। गवर्नमेंट कहती है पहले तो ये बताओ कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और अगर लोकेशन ऑफ रिसीवर, अगर इन दोनों की लोकेशन अगर इंडिया में है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसीवर अगर इंडिया में है फिर तो सेक्शन 12 निकाल दो, ठीक है। और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रिसीवर में से कोई भी एक अगर आउटसाइड इंडिया होगा या दोनों ही इंडिया से बाहर होंगे उस केस में सेक्शन 13 की बातें होंगी। तो सिंपल सी बातें निकल के आ रही, जहां सप्लायर और रिसीवर अगर दोनों इंडिया के होंगे तो 12 की बातें होंगी, जहां सप्लायर और रिसीवर दोनों में से कोई बाहर होगा या दोनों ही बाहर होंगे उस केस में 13 की बातें होंगी। बस ये बात ध्यान दो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं और इवन 90% चांस है एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ना सेक्शन 12 का ही बनेगा जी। मैं दोबारा कह रहा हूं 90% चांस है एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा सेक्शन 12 का ही बनेगा, मतलब एग्जाम में वो डायरेक्टली बोल देंगे सप्लायर इंडिया का है, रिसीवर इंडिया का है, सर्विस आपने ये वाली दी है, सर्विस आपने यहां पे दिया, उसका पीयूएस क्या होगा हमें चेक करना पड़ेगा कि मेरी सर्विस कहां पे कवर होती है। ये बात क्लियर जी। अब सेक्शन 12 में ना सबसे पहला पॉइंट आता है जनरल रूल। जनरल रूल का मतलब क्या है कि अगर कोई सर्विस तुम्हारी स्पेसिफिक रूल में कहीं पर भी कवर नहीं होती, मैं दोबारा बोलूंगा अगर मेरी सर्विस स्पेशल केस में कहीं पर भी कवर नहीं होती उस केस के अंदर पीयूएस क्या निकल जाएगा, वो सारी की सारी बातें जनरल रूल के अंदर है। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे एक बार सीधे होकर बैठो जी, बिल्कुल सीधे होकर बैठो, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे एक बार मुझे आवाज मार दे सर जनरल रूल के अंदर हमने क्या किया था, याद करो सर जनरल रूल के अंदर हमने क्या किया था। सर जनरल रूल ये बात कहता है रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां। मैं दोबारा कह रहा हूं सर जनरल रूल ये बात कहता है जहां रिसीवर की लोकेशन होगी वो तुम्हारा पीएस बनेगा, अगर रिसीवर की लोकेशन नहीं पता फिर सप्लायर की लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीएस बनेगा। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। एक बार चेक करो देखो जी, जनरल रूल में रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, देन सप्लायर जहां सर्विस वहां, ये हमारा नॉर्मल रूल निकल के आ रहा है। अब बच्चा कहते हैं सर ये तो एप्लीकेबल तब होगा ना भाई अगर कोई सर्विस मेरी स्पेशल केस में कवर नहीं हो रही। मैं कहा बिल्कुल एप्लीकेबल कब होगा, कहता सर बट ये तो बताओ कि स्पेशल केस कौन कौन सी है भाई, क्या पता मेरी सर्विस वहां पे कवर हो जाए, और अगर मेरी सर्विस अगर वहां पे कवर हो गई तो फिर मैं जनरल रूल चेक ही क्यों करूंगा। मैं कहा ओ माई गॉड खतरनाक जबरदस्त ओ ओ ओ आग लगा दी इधर देखो ध्यान से ना लायको, ठीक है जी। यहाँ पे एक बार चेक करना जी, अब सबसे पहला स्पेशल केस निकल कह रहा है कि अगर कोई सर्विस आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जी,
अगर कोई सर्विस आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से लोकेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो जहां पे आपकी प्रॉपर्टी लोकेट करेगी वो लोकेशन जो होगी वो पेज निकल के आएगा। और अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर लोकेटेड है, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर लोकेटेड होगी फिर रिसीवर की लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पेज निकल के आएगा। देखो कमाल की बात, देखो जी, मतलब इतना इतना खतरनाक गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया। गवर्नमेंट कह रही हेलो सप्लायर इंडिया का है, रिसीवर इंडिया का है, और अगर प्रॉपर्टी तुम्हारी इंडिया से बाहर बन रही है, और अगर नॉर्मल रूल लगाएं तो फिर बाहर पीएस बनेगा, और अगर बाहर बनेगा तो हमें जीएसटी मिलेगा नहीं। मतलब कमाल की बात, खतरनाक बात यह है कि दोनों तुम इंडिया के रहने वाले हो भाई, दोनों पे हमारा कंट्रोल है और हम तुमसे जीएसटी नहीं ले पा रहे, ऐसी की तैसी। गवर्नमेंट ने कहा हेलो भाई तेरे तो जीएसटी तो लेके रहेंगे। मैं कहा गवर्नमेंट एक बात बताओ, किस तरह लेके रहोगे भाई? भाई तुमने क्या था कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी बाहर लोकेट करेगी या प्रॉपर्टी जहां पर भी लोकेट करेगी वो इसका पीएस बनेगा। अब अगर मेरी प्रॉपर्टी बाहर है तो मेरा पीएस बाहर बनाओ, और अगर मेरा पीएस बाहर बनेगा सप्लायर इंडिया का है तो एक्सपोर्ट वाला केस होगा, उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट कह रही भूल जा भूल जा, ये लॉ बनाना हमारे हाथ में है, और अगर हमने कह दिया कि पीएस यहां बनेगा, माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा, पीएस वहां बनेगा, उसके बेस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई साहब अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर लोकेट करती है उस केस में रिसीवर की लोकेशन जो होगी वो पीएस बन जाएगा, इट मींस उस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है जी, तो सिंपल से बात निकल करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन, और अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर होगी उस केस में रिसीवर की लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीएस निकल के आएगा, ये बात क्लियर थी। फिर अगली सर्विस निकल के आ रही थी रेस्टोरेंट की सर्विस, कैटरिंग की सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस। अब एक बार सोच के बोला सर, अगर मान लो रेस्टोरेंट की सर्विस है, मान लो ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस है और कैटरिंग की सर्विस है, अब सोच के बोला सर इसका पीएस क्या निकल के आता है? याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जहां पर ये सर्विस परफॉर्म की जाएगी, मतलब जहां पे एक्चुअल सर्विस होगी। अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट वाले, एक बच्चा कहता है सर मान लो सर मेरी, मतलब जब मैं सीएस बन जाऊंगा तो फिर मेरी शादी होगी? मैं कहा बिल्कुल होगी। कहता सर फिर मैं शादी में मैं सजूंगा? मैं कहा बहुत बढ़िया सजोगे, तो सर फिर वही वाला, फिर तो वही वाला गाना चलेगा सर, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ओ माय गॉड, बच्चा शर्मा गया, कहता हाय इधर देखो ध्यान से नालायक हो। अच्छा आप सुनना ध्यान से, तो बच्चा कह रहा सर फिर मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस लूंगा, तो जैसे मान लो हम डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। मैं को अच्छा, मैं को पहले से डिसाइड कर रखा था, हाँ सर सीएस बन जाऊंगा, पैसों की कमी थोड़ा होगी, फिर मैं तो कहीं बढ़िया जगह भी शादी करूंगा। मैं कहा मुझे बुलाओगे? सोचना पड़ेगा सर आपको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, चलो हो तुम्हारी मर्जी है भैया, अब मैं क्या कह सकता हूँ जी। ठीक है चलो यार सुना ध्यान से, अब मान लो आपकी कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, अब सोच के बोलना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सप्लायर कहीं और का है, मतलब आप कहीं और के रहने वाले हो, जिससे सर्विस ले रहे हो, आपने कहा मुझे ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस चाहिए और वो कहीं और का रहने वाला है, और ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो जयपुर में दी जा रही है, मतलब आप रहने वाले हो दिल्ली के, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस देने वाला मुंबई का रहने वाला है, और ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस जयपुर में दी जा रही है। आपने कहा जयपुर में शादी करूंगा, वहां पे किसी महल में शादी करूंगा, और मुझे वहीं पर सजना है, वहीं पर सजना है मुझे अपने सजना के लिए। तो गवर्नमेंट कह रही ठीक है भैया वहां पे सज लो, अब जहां पे भी तुम सर्विस लोगे वो लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीएस बनेगा, बस ये बात ध्यान देना जी। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर रेस्टोरेंट की सर्विस है, कैटरिंग की सर्विस है, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस है, तो जहां पे वो सर्विस परफॉर्म की होगी वो लोकेशन जो होगी वो उसका पीएस बन जाएगा। फिर अगला पॉइंट ये बात करना चाह रहे कि अगर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस है। अब ये ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनी होती है सर, बड़ी बड़ी कंपनी में ना ट्रेनिंग होती है। अब मान लो एक कंपनी है रिलायंस कंपनी है, हेलो अंकल सीधो के बैठो, बिल्कुल बिल्कुल सीधो के बैठो, मतलब एक तो हद हो गई यार बिल्कुल, मतलब मैं यहां पे बोल रहा हूं मेरे को बोलते हुए दिक्कत नहीं आ रही, सुनते हुए दिक्कत आ रही है, मतलब ऐसे कई बच्चों के ना ऐसे आंखें बंद हो रही है, ऐसे कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सारा कुछ समझ में आ रहा है, मुझे पता नालायक सो रहे हैं वो, बिल्कुल सीधे के बैठो। हाँ जी आपसे बात कर रहा हूँ सर, बिल्कुल सीधे के बैठो। हाँ आप सुनना ध्यान से, अब एक बात मैं सोच के बताओ सर, आज बड़ी बड़ी कंपनी है, मान लो रिलायंस कंपनी ने मुझे कहा विवेक भाई तुम आके जीएसटी का सेमिनार दे दोगे? मैं कह रही जीएसटी का सेमिनार दे दूंगा, कहते हैं हमारे एम्प्लॉय को ना ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, जीएसटी में सारे काम कैसे होते, तुम ट्रेनिंग दे दो, और तुम इस ट्रेनिंग के मान लो फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए ले लेना। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगर मैंने ट्रेनिंग की सर्विस दी किसी कंपनी को, तो गवर्नमेंट कह रही भाई साहब हेलो अंकल इधर सुनो ध्यान से, कि अगर तुमने ट्रेनिंग की सर्विस दी है, और अगर वो B2B वाला केस है या B2C वाला केस है पहले वो चेक करो। अब अगर तुमने ट्रेनिंग की सर्विस दी है, B2B वाला केस है, मतलब तुम रजिस्टर्ड हो, सामने वाली पार्टी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मतलब B2B वाला केस होगा, फिर जो रिसीवर की लोकेशन होगी ना वो तुम्हारा पीएस निकल जाएगा, तुमने ट्रेनिंग कहीं पर भी दी हो। सर मान लो एक कंपनी है वो मुंबई बेस्ड कंपनी है, एक कंपनी है वो मुंबई में जीएसटी में रजिस्टर्ड है,
और मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, और ये ट्रेनिंग जो दी जा रही है वो चंडीगढ़ में दी जा रही है। भाई सारे इंडिया के सारे एम्प्लॉय चंडीगढ़ के अंदर बुलाए गए हैं, वहां पे बहुत बढ़िया स्टेडियम बुक कराया गया है, और वहां पे ही मैं सर्विस ट्रेनिंग की सर्विस दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट कह रही है जहां तूने ट्रेनिंग दी है वो लोकेशन नहीं, अगर B2B वाला केस होगा तो जो रिसीवर की लोकेशन होगी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होगी वो इसका PS बनेगा। तो मेरा PS यहां पे चंडीगढ़ नहीं बनेगा, मेरा PS क्या बनेगा, मुंबई। बस ये बात ध्यान दो। एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो B2B वाला केस ही नहीं, B2C वाला केस है, भाई आपने नॉर्मल ट्रेनिंग की सर्विस दी किसी पर्सन को दी है और वो आदमी GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे? देखो जी, अब अगर अगर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस है B2B वाला केस है फिर तो रिसीवर की लोकेशन, और अगर B2C वाला केस होगा फिर जहां पे वो सर्विस परफॉर्म की होगी, इट मीन अगर ये मेरा केस B2C वाला होता फिर चंडीगढ़ में अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं तो फिर मेरे चंडीगढ़ जो बनती फिर वो PS बन जाता जी। ठीक है, तो क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से पढ़ना सर, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, एग्जामिनर आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि आप गलती 100% करोगे। तो बस ये बात ध्यान देना कि B2B वाले केस और B2C वाले केस में क्या ट्रीटमेंट होगा जी। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, B2B वाले केस में, एक बार फिर बोलूंगा, B2B वाले केस में आवाज ही नहीं आ रही। हेलो 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 एक बार चेक करना जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, मुझे लग रहा है बीच में आवाज चली गई थी। हाँ ठीक है, चलो इधर सुना ध्यान से। अब अगर B2B वाले केस में गवर्नमेंट कह रही है भैया जो रिसीवर की लोकेशन होगी वो PS बनेगा, और B2C वाले केस में जहां पे भी आपने वो सर्विस परफॉर्म की होगी वो लोकेशन जो होगी वो इसका PS बन जाएगा। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है? तो सिंपल से मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे शोनू, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, बस ये बात सिंपल से निकल के आ रही है। आपको ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि B2B वाला केस कहां पे और B2C वाला केस कहां पे। अगला पॉइंट फिर निकल क्या रहा है कि एडमिशन टू एन इवेंट और एम्यूजमेंट पार्क जी, मतलब अगर आप किसी इवेंट में जाते हो, आज अगर किसी आप एम्यूजमेंट पार्क में जाते हो, आपकी एंट्री टिकट होती है। अब जो भी आपकी एंट्री टिकट होगी ना, उस एंट्री टिकट पे जो भी GST पे करोगे उसका PS क्या निकल जाएगा, जहां पे वो इवेंट हो रहा होगा या जहां पे वो एम्यूजमेंट पार्क होगा ना, वो लोकेशन जो होगी वो उसका PS निकल जाएगा। देखो यहां पे क्या लिखा है भाई, एडमिशन टू एन इवेंट और एम्यूजमेंट पार्क, भाई जहां पे इवेंट की लोकेशन होगी वो लोकेशन का क्या निकल गया, POS। मतलब यहां पे B2B और B2C वाला केस नहीं है जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले केस में B2B और B2C वाला केस है, रेस्टोरेंट कैटरिंग और ब्यूटी ट्रीटमेंट में कोई B2B B2C नहीं है, उस पर एडमिशन टू एन इवेंट और एम्यूजमेंट पार्क में कोई भी B2B B2C नहीं है। अगला फिर अगला पॉइंट आ रही है, इवेंट ऑर्गेनाइजर जी। अब एक बार सोच के बोला सर, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि इवेंट ऑर्गेनाइजर की अगर हम सर्विस लेते हैं, याद करो थोड़े बहुत, अगर आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही हो। जैसे एक बच्चा कहता है सर अब हमारे प्रोफेशनल के एग्जाम हो जाएंगे तो फिर हम CS बन जाएंगे, देखो हम तो आपसे कभी इतना मिले भी नहीं है, आप तो फेस टू फेस वाले बच्चों से मिलते हो, तो अगर हमारे एग्जाम सर क्लियर हो जाएंगे तो क्या आप हमें पार्टी दोगे? मैं अगर बिल्कुल पार्टी दूंगा। कहता सर फिर अगर आप हमें पार्टी दोगे ना, फिर बहुत बढ़िया सा ना इवेंट करवाना, ग्रैंड गाला इवेंट करवाना, बहुत बड़ा इवेंट करवाना। मैं कहा टेंशन मत लो भाई साहब, मैं झुमके गिरवा दूंगा सर, आप एक बार रैंक लेके आओ, मैं झुमके गिरवा दूंगा। बच्चा कहा सर ठीक है, फिर तो बड़े बड़े लोग आएंगे डांस करने के लिए। मैं कहा मैं खुद डांस करूंगा यार, और बोलो और तुम चाहते क्या हो। अब सोच के बोला, मान लो आप में से काफी सारे बच्चों का रैंक आ गया, सारे बच्चे ग्रुप क्लियर कर गए, नजारे ही नजारे आ गए, सबको सक्सेस मिल गई। मैंने कहा मैं बहुत बड़ी पार्टी करूंगा, तो मैंने क्या किया, बिट्टू पाजी और श्रुति कक्कड़ को फोन किया जिन्होंने बैंड बाजा बारात में इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। मैंने फोन किया बिट्टू पाजी को, मैं कहा बिट्टू पाजी यार एक ना इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, और इवेंट करवाना है चंडीगढ़ के अंदर झुमका गिरारे। तो कह रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इवेंट करवा देंगे जी। अब सोच के बोला अगर वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस दे रही है B2B वाले केस में, फिर तो जहां रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन होगी मतलब जहां रिसीवर की लोकेशन होगी ना, वो इसका PS बन जाएगा। बट अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस दी जा रही है B2C को, मतलब सी मीन्स कि या तो वो अनरजिस्टर्ड है या वो नॉर्मल पर्सनल पर्पस के लिए रहा, तो उस केस में फिर जहां पे वो इवेंट होगा उसकी लोकेशन जो होगी वो PS निकल जाएगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो एक बार चेक करो, देखो जी इवेंट ऑर्गेनाइजर में B2B वाले केस में रिसीवर की लोकेशन, और अगर B2C वाले केस में फिर जहां पे इवेंट होगा वो लोकेशन बनेगी, और अगर इवेंट इंडिया से बाहर हो रहा होगा तो फिर रिसीवर की लोकेशन जो होगी वो उसका PS निकल के आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सर, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने वाले का जी। ठीक है, एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सर्विस ली है, आपने सर्विस लिया इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस ली है, अगर वो B2B वाला केस होगा जी तो फिर तो रिसीवर की लोकेशन बनेगी, अगर B2C वाला केस होगा फिर जहां इवेंट हेल्ड होगा, और अगर इवेंट इंडिया से बाहर हेल्ड होगा फिर जहां पर रिसीवर की लोकेशन होगी वो PS बनेगा। बस ये बात ध्यान दो, ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही है। ठीक है,
उसके बाद देखो अगला, फिर अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है जी, अगर किसी एजेंसी ने गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है, अब सोच के बोला यार बड़े बड़े जीटी होते हैं सर, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, वो जो ट्रक वाले होते हैं जी, अब जो ये ट्रक वाले सर्विस देते हैं गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की, तो गवर्नमेंट के लिए चेक करो वो सर्विस दी किसको है। अब सोच के बोला अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है B2B वाले केस में, सर एक सिंपल सी बात ध्यान रखना जी कि जहां पे भी B2B की बात होगी ना, हेलो इधर देखो ध्यान से, जहां पे भी B2B की बात होगी, एक सिंपल सी बात ध्यान देना कि B2B वाले केस में ना जिसको सर्विस दी जा रही है उसकी लोकेशन जो होगी वो उसका पेस बनेगा उस बात का। मतलब अपने दिमाग में दूसरा विचार मत लेके आना सर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एग्जामिनर आप गलती करोगे, आप B2B वाले केस में गलती करके आओगे, मतलब एग्जामिनर आपको इतना सेंटी कर देगा, इतना सेंटी कर देगा, वो बोलेगा नहीं ये पीओस बना के आ, वो मत बना के आना जी। तो सिंपल सी बात है, B2B वाले केस में जहां रजिस्टर्ड पर्सन की, जहां सामने वाली पार्टी की लोकेशन जो होगी वो उसका पीओस बनेगा जी। हाँ अगर B2C वाला केस है तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं जी, अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है और अगर B2B वाला केस है फिर तो रिसीवर की लोकेशन, और अगर B2C वाला केस होगा फिर जहां पे वो गुड्स पिकअप किए होंगे, मतलब जहां पे वो गुड्स की लोडिंग हुई होगी, मैं दोबारा कह रहा हूँ डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं कह रहा सर, मैं डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं कह रहा कि जहां पे पिकअप पॉइंट होगा, जहां पे गुड्स की लोडिंग की होगी, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां से जयपुर सामान जाना है, अब अगर यहां से जयपुर सामान जाना है, किसने यहां से जयपुर सामान भेजना है, तो जब यहां पे पिकअप मैंने क्या लिया भाई, मतलब अगर किसी पर्सनल सामान है तो उसकी लोडिंग कहां पे हुई, जहां पे उस सामान की लोडिंग हुई होगी ना वो लोकेशन पीएस बनेगा, जहां पे गुड्स जाना है उसकी बात नहीं कर रहे जी। सर वो सेक्शन 10 जो हमारा गुड्स वाला केस है ना, कि अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो उस केस में क्या बनेगा, डेस्टिनेशन पॉइंट। बट अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है B2B वाले केस में उसकी लोकेशन, और अगर B2C वाला केस है, अगर B2C वाला केस है गवर्नमेंट के लिए, उस केस में फिर जहां पे पिकअप पॉइंट होगा, जहां पे गुड्स की लोडिंग होगी, उसकी लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीस निकल के आएगा जी, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, वही से निकल के आ रही पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में, इटमीन्स अगर B2B वाला केस है रिसीवर के लोकेशन, और अगर B2B वाला केस B2C वाला केस होगा तो बोर्डिंग पॉइंट होगा, मतलब जहां से आपने बोर्ड किया जी, जहां से कि आपकी बोर्डिंग हुई, मैं दोबारा कह रहा हूं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं कह रहे, कई बार कहता है फॉर एग्जांपल दिल्ली से जयपुर ट्रेन जानी है, अब अगर कोई ट्रेन दिल्ली से जयपुर जानी है, मैंने दिल्ली से बोर्डिंग की, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने हरियाणा से बोर्डिंग की, तो जहां से मैंने बोर्डिंग की है, मतलब जहां से उस ट्रेन के अंदर मैं चढ़ा, वो लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीस निकल के आएगा, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। उसके बाद देखो अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रही है, अगला पॉइंट फिर निकल के आ रहा है ऑन बोर्ड कन्वेंस की सर्विस। ऑन बोर्ड कन्वेंस का मतलब जो आपको खाने पीने की सर्विस दी जा रही है, आपको और मसाज की सर्विस दी जा रही है, मतलब काफी सारी सर्विस बीच में दी जाती है जी। अब जो भी सर्विस आपको दी जा रही है तो गवर्नमेंट कह रही है जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब जहां से आप चढ़े वो नहीं, मतलब जहां से आप चढ़े वो नहीं, जहां से इस कन्वेंस की जर्नी स्टार्ट हुई होगी, फॉर एग्जांपल अगर मान लो दिल्ली से जयपुर जाना है, आप अगर हरियाणा से चढ़े हो तो इसका दिल्ली पीएस बनेगा, किस केस में, अगर ऑन बोर्ड कन्वेंस की बात करेंगे जी, ठीक है जी। हाँ आपको जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है उसमें बोर्डिंग पॉइंट है, बट ऑन बोर्ड और कन्वेंस वाले केस में जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब जहां से वो कन्वेंस चला होगा, वो लोकेशन जो होगी वो पीएस बनेगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। उसके बाद देखो जी बैंकिंग सर्विस जी, अब बैंकिंग सर्विस में क्या एप्लीकेबल होगा, जनरल रूल। जनरल रूल मीन्स रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां। तो सिंपल बात है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी हमें सर्विस दे रही है तो रिसीवर की लोकेशन पीएस बनेगा, अगर रिसीवर हमें नहीं पता उस केस में सप्लायर की लोकेशन जो होगी वो क्या बन जाएगा, पीएस बन जाएगा, ये हमारा बैंकिंग कंपनी वाले केस में। उसके बाद आ रहा है इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस सर्विस में सिंपल सी बात, अगर B2B वाला केस है, अगर B2B वाला केस है फिर उसकी लोकेशन, और अगर B2C वाला केस होगा फिर लगेगा जनरल रूल। जनरल मींस रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। और आप सब जानते हो आर इंश्योरेंस कंपनी को 99.99% केस में रिसीवर की लोकेशन पता होती है सर, क्योंकि अगर आप कभी भी इंश्योरेंस कराओगे तो आप पूरा एड्रेस दोगे ना। बच्चा कहता है सर वो तो बैंक वाले केस में होगा, आंसर इज नो सर, आर बैंक वाले केस में कई लोग ऐसे भी सर्विस लेते हैं जो उस बैंक के कस्टमर ही नहीं होते। आज सोच के बोलो आर बैंकों में, आज जिन जिन बैंकों में लोकर है, तो क्या वो लोकर सारे उन लोगों के हैं जो अकाउंट होल्डर है, आंसर इज नो ना। आर बाहर से भी कई लोग अगर लोकर ले लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, बट अगर इंश्योरेंस की बात करूंगा तो इंश्योरेंस कंपनी में ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट 100% कस्टमर जो है ना उसका वहां पर रजिस्टर्ड होता है, मतलब उसने एड्रेस दिया होता है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी ने सर्विस दी है B2B वाले केस में, फिर तो रिसीवर की लोकेशन, और अगर B2C वाले केस में है फिर जो उनकी एड्रेस बुक में एड्रेस लिखा होगा वो, मतलब रिसीवर की लोकेशन, और अगर नहीं लिखा हुआ मतलब अवेलेबल नहीं हो पा रहा, फिर फाइनली कहीं जाके सप्लायर की लोकेशन जो होगी वो पीएस बनेगा, बस ये बात ध्यान दो जी।
ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो जी, एडवर्टीजमेंट की सर्विस अगर गवर्नमेंट को दी जा रही है तो जहां जहां एडवर्टीजमेंट हो रही है प्रोपोर्शनेट वैल्यू, मतलब जिस जिस स्टेट के अंदर एडवर्टीजमेंट हो रही है उस स्टेट की अलग अलग वैल्यू निकाल के उस पे जीएसटी की बातें होंगी, वही हमारा पीएस निकल के आएगा जी, ठीक है। फिर अब लास्ट में टेली कम्युनिकेशन सर्विस, अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना जी। अब काफी सारे बच्चों को ना टेली कम्युनिकेशन सर्विस में दिक्कत आती है, ठीक है जी। अब एक बार चेक करना जी, अब टेली कम्युनिकेशन सर्विस उसमें है क्या। अब देखो जी, अगर आपकी फिक्स लाइन है जी, अगर आपकी फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन मतलब जैसे मान लो लैंडलाइन है जी, नॉर्मली लैंडलाइन की बात हो रही है, अगर फिक्स लाइन आपकी लगी हुई है तो जहां पे वो फिक्स इक्विपमेंट है, जहां पे जैसे आर मैं आपको बताऊं, जो मैंने घर में वाईफाई लगवा रखा है ना, वो एयरटेल वालों का लगवा रखा है। और एयरटेल वालों सच्चे बताऊं मैं परेशान आ गया हूं, क्योंकि ना हमारे अभी यहां पे एयरटेल का ना फाइबर नहीं है, और ना ही अभी जियो वाला, मतलब फाइबर अभी हमारे यहाँ पे है ही नहीं। तो वो स्पीड 40-50 एमबीएस की आती है, अब उसमें मतलब ऑफिस के भी काम चल रहे होते हैं, कई चीज होते हैं, तो कई बार ना लाइफ में तभी दिक्कत आ रही है। और जब तक यहाँ फाइबर प्लान नहीं आएगा तब तक मेरा लाइफ सही से चलेगा नहीं। अब कह रहे हैं कि 10 दिन में आएगा, 15 में आएगा, 10 के, मतलब काफी टाइम से लगे हुए हैं। तो अगर मेरा फाइबर प्लान होता ना सर, क्योंकि उसमें 100-200 एमबीएस की स्पीड आती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 40-50 एमबीएस की जो स्पीड है उसमें डाउनलोडिंग की स्पीड है, अपलोडिंग कितनी आती नहीं है। और मेन लाइव आने के लिए क्या चाहिए, अपलोडिंग की स्पीड चाहिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेरे को लाइव आने में, यहाँ पे इस चक्कर में दिक्कत आती है। चलो अब वापिस आओ जी, अब जो हमारा मेरा एयरटेल का प्लान लगा हुआ है ना, वो डीटीएच वाला है, मतलब उसमें ना ऊपर छत के ऊपर एक टाटा स्काई लगा हुआ है, फिक्स लाइन लगी हुई है, मतलब उसका लैंडलाइन भी हम लगवा सकते हैं। अब सोच के बोला, इसको बोलते हैं फिक्स लाइन। फिक्स लाइन का मतलब है कि ऊपर एक टाटा स्काई लग गया, मतलब फिक्स लग गया, उसके थ्रू हमारा लैंडलाइन काम करेगा। तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है इस सर्विस पर पीएस का निकल जाएगा कि जहां पे वो फिक्स इक्विपमेंट की लोकेशन, मतलब हमारी लोकेशन जो होगी ना, वो उसका पीएस बन जाएगा, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन सर्विस, अगर पोस्टपेड मोबाइल है, अगर मोबाइल आपका पोस्टपेड है तो जनरल रूल, जनरल मींस रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, प्रोवाइडर जहां सर्विस वहां, ये आपको रूल एप्लीकेबल होगा। अगर प्रीपेड मोबाइल है थ्रू सेलिंग एजेंट, मतलब अगर आपने कोई प्रीपेड सिम लिया किसके थ्रू, सेलिंग एजेंट के थ्रू, क्योंकि आज अलग अलग कंपनी के सेलिंग एजेंट होती है जी। आर वोडाफोन, हेलो सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमाई हाय क्यों बदलने लगा, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है, नहीं ना, तो फिर सूरज सीधे होके बैठो ना फटाफट से, सूरज आप मुझे आंसर दोगे, सूरज आप मुझे आंसर दोगे। एक बताओ, अगर मान लो प्रीपेड आपने, मतलब प्रीपेड अगर आपने मोबाइल सिम लिया, अगर आपने सेलिंग एजेंट के थ्रू लिया, क्योंकि अरे वोडाफोन के अलग सेलिंग एजेंट है, आर जियो के अलग सेलिंग एजेंट है, एयरटेल के अलग सेलिंग एजेंट है, तो गवर्नमेंट के लिए अगर आपने सेलिंग एजेंट के थ्रू लिया होगा तो वेयर द पेमेंट, सॉरी एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट, मतलब जहां सेलिंग एजेंट का एड्रेस होगा ना, वो लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीएस निकल के आ जाएगा। उसके बाद एक और प्रीपेड सिम, अगर आपने लिया एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, मतलब आपने सेलिंग एजेंट के थ्रू नहीं लिया, किसी ऐसे पर्सन के थ्रू लिया जिसमें आप फाइनल सब्सक्राइबर हो, मतलब आप लास्ट, उसके बाद कोई भी नहीं है, उस केस में क्या बनेगा, फिर जहां पेमेंट रिसीव की होगी वो बनेगा। और बच्चा कह रहा है सर, जैसे कई बार आपने क्लास में कहा था कि हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, भाई आज अगर मान लो हमें जियो का रिचार्ज करवाना है, आज अगर हमें एयरटेल का रिचार्ज करवाना है, तो हम दुकान पर जाकर थोड़ा बोल रहे हैं कि भैया भैया एयरटेल का रिचार्ज करना, भैया भैया जियो का रिचार्ज करना, आज हम क्या करते हैं पेटीएम पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, उनकी ऐप पे जाते हैं, वहां से रिचार्ज करते हैं। तो अगर हमने रिचार्ज ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू किया, उस केस में क्या होगा, सर आप मुझे अप्रिशिएट करोगे, आप बताओ क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आज आप रिचार्ज करवा रहे हो, क्या मैनुअल लेके करवा रहे हो, ऑनलाइन करवा रहे हो, ऑनलाइन करवा रहे हो ना। तो अगर आपने कोई ऑनलाइन रिचार्ज करवाया, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, उस केस में क्या होगा, देखो जी, तो उस केस में रिसीवर की लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीएस बनेगा, मतलब जहां हमारी लोकेशन होगी वो हमारा पीएस निकल के आएगा जी। और अदर केस में जनरल मींस रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां, ये सारी बात आपके टेलीकम्युनिकेशन में निकल के आ रही है जी। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी लग रहा हो जी, ठीक है। बच्चा कह रहा है सर 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 सुनो ना, मैं कहा बताओ भाई, सर एक बार आप ना सारी की सारी सर्विस एक बार दोबारा से रिवाइज करवा सकते हो, क्योंकि ना हम आपके अब साथ बोलेंगे, और सर अगर हम साथ बोलेंगे ना, मैं सच्ची कह रहा हूं सर, हमें ना सारा याद हो जाएगा, एक बार सारा याद करवा दू पक्का। आप अगर बोलोगे तो मैं भी याद करवा दूंगा, बोलोगे पक्का। नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर करवाने करो, हम नहीं बोलेंगे, हम थक जाते हैं सर, ये आपका काम है थकना, हमारा काम थकना नहीं है। पाप लगेगा, पाप ना लगे, काली माता आएगी, फिर मत कहना कि काली माता का हमारे सपनों में क्यों आ रही है, हाँ
इधर देखो ध्यान से फटाफट से मुझे स्टार्टिंग से 1 2 3 स्टार्ट। अगर मैं सर्विस की बात करूंगा सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा रही, और 12 का एप्लीकेबल होगा अगर सप्लायर और सीवर अगर दोनों इंडिया में होंगे उस केस में सारी बातें किसकी होंगी 12 की होंगी। सबसे पहले क्या लगेगा जनरल रूल क्या लिखा हुआ है रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां, पहला पॉइंट ये निकल के आ गया। दूसरा फिर आ रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आपकी सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी फिर जहां प्रॉपर्टी लोकेट करेगी वो उसका पीएस बनेगा, और अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर लोकेट कर रही है उस केस में फिर गवर्नमेंट कहती है लोकेशन ऑफ रिसीवर, रिसीवर की लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीएस निकल के आ जाएगा। अगला पॉइंट फिर निकल के आता है कि भाई साहब अगर मान लो आपकी सर्विस है रेस्टोरेंट की सर्विस है, कैटरिंग की सर्विस है, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस है, फिर जहां पे वो सर्विस परफॉर्म की होगी मतलब जहां पे आपको ना गोरा चिट्टा किया होगा, जहां पे वो आपके फेस की मसाज की होगी, वो लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा क्या बन जाएगा पीएस बन जाएगा। अगला फिर आ रहा है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल जी B2B वाले केस में, B2B वाले केस में रिसीवर के लोकेशन, B2C वाले केस में जहां पे वो ट्रेनिंग दी होगी वो लोकेशन जो होगी वो क्या बन जाएगा पीएस इसका निकल के आ जाएगा। अगला पॉइंट फिर आ रहा है एडमिशन टू एन इवेंट, जहां पे वो इवेंट हो रहा होगा वो लोकेशन इसका पीएस बनेगा जी। उसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर बिट्टू पाजी श्रुति काकड़, अगर किसी ने मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस दी है B2B वाला केस है, मेरी लोकेशन B2C वाले केस में जहां वो इवेंट हो रहा होगा वो लोकेशन जो होगी वो उसका पीएस निकल के आ जाएगा। अगला फिर आ रहा है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस है B2B वाले केस में रिसीवर के लोकेशन, B2C वाले केस में जो लोडिंग पॉइंट होगा पिकअप पॉइंट होगा वो उसका पीएस निकल के आ जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में B2B वाले केस में रिसीवर के लोकेशन, B2C वाले केस में जो बोर्डिंग पॉइंट होगा, जो बोर्डिंग पॉइंट होगा वो लोकेशन जो उसका पीएस निकल के आ जाएगा। ऑन बोर्ड ऑन कन्वेंस वाले केस में जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां से वो मतलब जहां से वो कन्वेंस चलेगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो उसका पीएस निकल के आ जाएगा। अगला फिर क्या निकल कर रहा है बैंकिंग कंपनी वाले केस में रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। और अगर इंश्योरेंस की बात करूंगा B2B वाले केस में रिसीवर के लोकेशन, B2C वाले केस में रिसीवर के लोकेशन नहीं पता तो सप्लायर के लोकेशन, ये हमारा इंश्योरेंस कंपनी वाला केस है। अगला फिर आ गया एडवर्टाइजमेंट की सर्विस, अगर गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दिया, जगह जगह मेट्रो के अंदर बोर्ड लगे हुए जी, आप कभी जाओ और हर मेट्रो में एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगे हुए हैं, तो गवर्नमेंट के लिए जहां जहां एडवर्टाइजमेंट हो रही है उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाल लेंगे, और जो वैल्यू प्रोपोर्शनेट होगी उसके बेस पे यहां पे पीएस निकल जाएगा, बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। उसके बाद एक बार टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन में अगर फिक्स लाइन होगी तो जहां पे वो इक्विपमेंट होगा, अगर पोस्टपेड मोबाइल होगा तो रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां, अगर प्रीपेड होगा और सेलिंग एजेंट के थ्रू होगा तो सेलिंग एजेंट का एड्रेस होगा, अगर सेलिंग एजेंट के थ्रू नहीं है आप डायरेक्टली फाइनल सब्सक्राइबर को ही बेच रहे हो तो फिर जहां पेमेंट ली होगी, और अगर पेमेंट ऑनलाइन होगी तो रिसीवर की लोकेशन, और अदर केस में रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां। बच्चे भाई साहब इतनी तेज बोला, एक ढिल्ले का हमें समझ में नहीं आया सर ने क्या बोला। सर यही तो रिवीजन होती है, एक बात बताओ, अब इससे पहले मैंने आराम से, अब देखो पहले थोड़ा सा मैंने आराम से बोला, फिर सुपर फास्ट करूंगा ना सर, अगर मैं इतनी धीरे धीरे बोलूंगा फिर दोबारा आधा घंटा लग जाएगा जी, ठीक है। तो फाइनली अब जाके उम्मीद करूंगा सेक्शन 12 आपको एक बार कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। अब एक बार आ जाओ जी लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन 13 क्या कहता है जी। अच्छा अगर आपने 12 कर लिया 13 भी ऑलमोस्ट सेम है जी, 13 भी ऑलमोस्ट सेम है, एक बार चेक करना। 13 एप्लीकेबल कब होगा कि अगर रिसीवर की लोकेशन और सप्लायर की लोकेशन अगर इंडिया से बाहर होगी किसी ना किसी की, उस केस में आपको 13 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब 13 का पहला रूल जनरल रूल क्या है जी, सेम एज सेक्शन 12, इसका मतलब रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां, ये बात तो सेम है। फिर अगला निकल क्या रही, वेयर गुड्स आर फिजिकली मेड अवेलेबल, मतलब जहां पे गुड्स आपको फिजिकली अवेलेबल करवाई जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मेरे हाथ में कीबोर्ड है, हेलो भैया सीधे के बैठो, बिल्कुल सीधे के बैठो, हाँ अब सुना ध्यान से, मान लो मेरे हाथ में कीबोर्ड है जी, इस कीबोर्ड में कोई भी दिक्कत आ गई तो मैं कीबोर्ड लेके कहां पे गया, मतलब सामने वाली पार्टी के पास गया, मैंने बोला अंकल ने बोला हाँ, मैं कहा अंकल ये कीबोर्ड मेरा सही कर दो, अब सोच के बोला, अब मैं इस गुड्स को फिजिकली अवेलेबल करवा रहा हूं उसको, तो फिर गवर्नमेंट कह रही है जहां पे वो सर्विस देगा, जहां वो सर्विस परफॉर्म करेगा उसकी लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीस निकल के आ जाएगा। एक बार चेक करना, देखो जी गवर्नमेंट ने क्या बोला जी, वेयर गुड्स फिजिकली मेड अवेलेबल, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होगी उसका पीओएस निकल के आएगा। उसके बाद जी सर्विस फ्रॉम द रिमोट लोकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो गुड्स की लोकेशन याद तो आपको मैंने क्लास के अंदर कहा भी था, हाँ जी हेलो भैया अंकल नवजोत की कह रहे हो तुसी, एवें नहीं बैठना मेरे काके, पार्टिसिपेट करना मनिंदर, ओ मनिंदर की हो गया, पार्टिसिपेट नहीं करना, दसना नहीं
केम छो भालो भाषी ना, हाँ माजा मा, तो माजा मा का मतलब होता है मजे में। मजे में कब आओगे ना, मुझे फटाफट से रिवीजन कराओगे। हाँ इधर देखो ध्यान से फटाफट से, अब मुझे फटाफट से बोल रहे, सर्विस फ्रॉम रिमोट लोकेशन थ्रू ई लेज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब सोच के बोला, आपको मैंने कहा था कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया, बाहर एक पर्सन ने बैठे बैठे वही मेरा लैपटॉप सही कर दिया। लैपटॉप में दिक्कत आ गई, बाहर एक पर्सन ने बैठे बैठे वही मेरा लैपटॉप सही कर दिया। उस केस में गवर्नमेंट कहती है, भाई साहब उस केस में अगर रिमोट लोकेशन से आपने सर्विस ली है, फिर जो गुड्स की लोकेशन होगी, मतलब जहां पे वो गुड्स पड़ा होगा, जो सर्विस देने वाला उसकी लोकेशन नहीं, जहां वो गुड्स पड़ा होगा उसकी लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीस निकल जाएगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। उसके बाद देखो रही, अगर आपने टेम्प्रेरी इंपोर्ट किया फॉर रिपेयर और देन एक्सपोर्ट कर दिया, अगर आपने टेम्प्रेरी इंपोर्ट किया मतलब आपने इंपोर्ट किया और फिर आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो फिर रिसीवर जहां सर्विस वहां, मतलब एक तरह से आपका पीओएस बाहर आएगा, और अगर बाहर आएगा तो उस केस में कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी। तो सिंपल से बात कर रहा हूं, बट हाँ अगर रिसीवर की लोकेशन अवेलेबल नहीं हो पा रही, फिर क्या करेंगे, सप्लायर की लोकेशन जो होगी वो उसका पीएस निकल के आएगा। तो सिंपल से बात ये निकल के आ रही है कि अगर आप टेम्परेरी कोई सामान इंडिया में लेकर आए हो, उसको सही करके वापस आप रिपेयर कर दोगे, तो उस केस में गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि जहां पे, प्लीज जहां पे रिसीवर होगा वही पीओटी होगा, जहां रिसीवर नहीं पता फिर जहां सप्लायर होगा वो उसका पीएस निकल के आएगा। यह बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में, जहां प्रॉपर्टी की लोकेशन है, वो तो हम सेक्शन नंबर 12 के अंदर भी कर चुके हैं। फिर अगला आ रहा है एडमिशन टू एन इवेंट और ऑर्गेनाइज एन इवेंट, मतलब अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस ली है या एक इवेंट में एडमिशन की सर्विस ली है, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है जहां पे वो इवेंट होगा उसकी लोकेशन जो होगी वो पीएस बनेगा जी। अब एक बच्चा काफी जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नाम है पूजा। पूजा कह रही है सर एक बात को क्लियर कर दो, जैसे आपने सेक्शन 12 के अंदर कहा था बी टू बी और बी टू सी वाले केस हैं, तो क्या 13 के अंदर नहीं है? आंसर इज नो। सेक्शन 13 जो हम कर रहे हैं इसमें कोई भी बी टू बी और बी टू सी की बात नहीं होगी। रीजन बिंग, क्योंकि इसमें दोनों में से एक पार्टी इंडिया से बाहर होंगी, उसलिए यहां पे बी टू बी टू सी की बात नहीं होगी। तो जो भी बातें बी टू बी की करनी है, जो बी टू सी की करनी है, वो सेक्शन 12 में करनी है, 13 में नहीं करनी। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पे, तो अगर एडमिशन टू एन इवेंट है और अगर इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की सर्विस होती है, तो फिर जहां पे इवेंट होगा जी उसका पीएस निकल के आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्या है, इवेंट मोर देन वन प्लेस इंक्लूडिंग टैक्सेबल टेरिटरी। अगर आपका इवेंट एक से ज्यादा लोकेशन पे हो रहा है जी, मान लो फॉर एग्जांपल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और फिर आपका यूएसए हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही भाई अगर मान लो इवेंट अगर मोर देन वन प्लेस पे हो रहा है और जहां पे भी हो रहा है उनमें से एक पार्टी टैक्सेबल टेरिटरी है, मतलब एक जगह इंडिया में है, तो फिर गवर्नमेंट पता क्या करी है, फिर गवर्नमेंट कह रही है लोकेशन ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब जो उस टैक्सेबल टेरिटरी की लोकेशन होगी ना उसको ही हम पीएस बना देंगे और पूरी की पूरी वैल्यू पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। भाई साहब, सर नहीं 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 सर नहीं नहीं प्लीज प्लीज सर प्लीज प्लीज एक बार दोबारा। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब हमारी बात सुन लो, अगर आपने इवेंट मोर देन वन प्लेस पे ऑर्गेनाइज करवाया है, मतलब इवेंट आपका मोर देन वन प्लेस पे हो रहा है, अब उसमें इंडिया से बाहर भी है, इंडिया में भी हो रहा है, तो अगर कोई सिटी इंडिया में है तो वही तुम्हारा पीएस बन जाएगा और पूरी वैल्यू पर उसी के बेस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये नहीं चेक करेंगे कि बाकी इवेंट कहां पे हो रहा है जी। तो सिंपल सी बात ये निकल कह रही है कि अगर आपका इवेंट मोर देन वन लोकेशन पे है इंक्लूडिंग वन टैक्सेबल टेरिटरी, तो पूरी सर्विस का पीएस आपका वो निकल के आएगा जी, ठीक है। उसके बाद एक और, अगर बैंक वाले सर्विस दे रहे हैं अकाउंट होल्डर को, इंटरमीडिएट की सर्विस है या हायरिंग सर्विस है अप टू वन मंथ, किसको छोड़ के, एयरक्राफ्ट और वेसल को छोड़ के, तो उस केस में जो सप्लायर की लोकेशन जो होगी वो क्या बन जाएगा, पीएस निकल के आ जाएगा। अगर आ रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस अदर देन मेल कोरियर, अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दिया, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है जो आपकी गुड्स की डेस्टिनेशन होगी जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो आपने सेक्शन 12 में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस किया वो अलग है, सेक्शन 13 में जो कर रहे हो अलग है, रीजनिंग क्योंकि वहां दोनों इंडिया के इसलिए अलग है, और यहां दोनों में से एक पार्टी इंडिया से बाहर की है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दोगे तो जहां पे गुड्स की डेस्टिनेशन होगी वो लोकेशन जो होगी वो पीएस बनेगा। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद एक बार पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन क्या कह रही, एम्बार्किंग पॉइंट जी, एम्बार्किंग मतलब जहां से वो एम्बार्क होगा, जहां से भी वो एम्बार्क होगा वो लोकेशन जो होगी उसका पीएस बन जाएगा। उसके बाद ऑन बोर्ड कन्वेंस में स्टार्टिंग पॉइंट ही बनेगा जी, OIDR की अगर सर्विस होगी तो फिर रिसीवर की लोकेशन जो होगी वो तुम्हारा पीएस निकल के आएगा जी। ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं पीएस वाले केस में। एक बार दोबारा से बोलूंगा फटाफट से, चार सेक्शन चार, हाँ जी फटाफट से बोल देना फटाफट यार, शाबाश 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 मेरे बच्चे, बस 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 बस, बस हो गया खत्म खत्म। अरे मैं कह रहा हूं 2 मिनट की बात रह गई मेरे बच्चे, मेरे नोनू मेरे छोनू मेरे भिंडी से 2 मिनट की बात रह गई है।
चार सेक्शन हमने कंप्लीट किए हैं, 10, 11, 12, 13। 10 गुड्स वाले केस में, 11 गुड्स वाले केस में, 12 सर्विस वाले केस में, 13 सर्विस वाले केस में। गुड्स वाले केस में 5 केस हमने किए, सेक्शन 11 में 2 केस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले, सेक्शन 12 में कई सारे केस किए, 13 के अंदर भी कई सारे केस किए, बट इन दोनों का बेसिक रूल सेम है, रिसीवर जहां सर्विस वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सर्विस वहां, ठीक है। और बाकी आपको मैंने बताई थी किस किस केस में कौन कौन सी लोकेशन बनेगी, ये सारी बातें आपके सामने निकल के आ चुकी हैं, उम्मीद करूंगा आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। पढ़ गई पल्ले, कुछ तो पल्ले पढ़ा ना, बस अब कुछ नहीं करना सर, एक बार आपने इसको दोबारा से रिवाइज कर लिया ना, आपको पीओ सारा याद हो जाएगा जी, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार आपने दोबारा से रिवाइज करना है जी, ठीक है। तो फाइनली अब मैं पीओ को पैक करने जा रहा हूं, बाकी जो भी डाउट्स है उसको आप लिख लो। जब मैं लाइव आऊंगा तो आप मुझे बता देना, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर आई थिंक सबके पास है, जिनके पास नहीं है मैं नंबर देता हूं जी, 9643033663। इस पे व्हाट्सएप ही करना, इस पे कॉल कई बार उठ नहीं पाती क्योंकि मैं ऑलमोस्ट क्लास में सारा दिन होता हूं जी, अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो वो मैसेज मैं देख लूंगा, ठीक है जी। चलो अब सुना ध्यान से, अब प्लेस ऑफ सप्लाई कंप्लीट करने के बाद ना, अब एक छोटा सा सा एक पॉइंट है, डेबिट नोड और क्रेडिट नोड। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चों के वैसे वो डाउट क्यों आ रहे हैं जबकि आने नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या सर, इस टाइम डाउट आ रहे हैं, मतलब या तो आपने पढ़ना इस टाइम स्टार्ट किया भाई, हाँ भाई अभी पढ़ते हैं, या आपने पहले पढ़ा था ध्यान से नहीं, क्योंकि सर एग्जाम से 10 दिन पहले डाउट आने का तो मतलब ही नहीं है। चलो अब जिनका भी डाउट है कोई घबराने वाली बात नहीं है जी, एक बार फटाफट से यहां पे देख लेते हैं जी, ये आपका है सेक्शन नंबर 34 क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का जी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट और कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट नोट, बोथ आर इश्यूड बाय द सप्लायर टू रिसीवर। अब फटाफट से एक बार ना सुन लेना, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, सिर्फ 10 मिनट मेरे बच्चे, सिर्फ 10 मिनट मेरे सामने बैठ जाओ, सिर्फ 10 मिनट खड़े होकर बैठ जाओ जी, बिल्कुल खड़े होकर बैठ जाओगे जी। चलो जी इधर देखो ध्यान से, अब एक तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एक तो सेक्शन नंबर 34 है जी, उसके बाद जो है ना रूल नंबर 53 आपका एप्लीकेबल होता है। अब सबसे पहले ना ये समझते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है, एक बार फटाफट से रिवीजन करवाने की कोशिश करता हूं। जितने बच्चे भी रेगुलर बैच के हैं या जो भी आपके YouTube फैमिली के, आपने कहीं से भी कोचिंग ली है, एक बात तो आपने सुनी होगी कि GST में ना कभी भी इनवॉइस में कटिंग नहीं होती। इट मीन्स अगर मान लो वैल्यू कम है, वैल्यू को बढ़ाना है तो इनवॉइस में कटिंग नहीं होगी। अगर वैल्यू ज्यादा लिखी गई है और वैल्यू को कम करना है उस केस में इनवॉइस में कटिंग नहीं होगी। अब सर एक बात में सोच के बताओ, वैल्यू ज्यादा होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं? आपने वैल्यू गलत निकाल दी, आपने रेट गलत लगा दिया, मतलब अगर रेट और वैल्यू में कहीं ना कहीं दिक्कत है तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है भाई साहब इनवॉइस में कटिंग तो नहीं होगी, हम तुम्हें कहते हैं कि तुम इश्यू करो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब पहली बात तो समझ लो कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो होता है ना, ये सप्लायर इशू करता है रिसीवर को। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये कौन किसको इशू करेगा? सप्लायर इशू करेगा रिसीवर को, रिसीवर सप्लायर को नहीं, सप्लायर इशू करेगा रिसीवर को। अब अगर मान लो मैंने जो इनवॉइस काटा पहले, उस इनवॉइस में वैल्यू कम लिखी गई, उस वैल्यू को मुझे बढ़ाना है, उस इनवॉइस में रेट कम लिखा गया, उस रेट को मुझे बढ़ाना है, तो जब भी इनवॉइस की वैल्यू बढ़ेगी किसी भी रीजन की वजह से गवर्नमेंट करे, उस केस में तुम्हें डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा जी। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, अगर इनवॉइस की वैल्यू बढ़ती है किसी भी रीजन, चाहे वो वैल्यू में दिक्कत है या वो रेट में दिक्कत है, फिर आपको डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। अब डेबिट नोट ध्यान सुना प्लीज, डेबिट नोट इशू करने की लास्ट टाइम लिमिट जो है वो लॉ में डिफाइन नहीं है। मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट है। इट मीन अगर आपको क्रेडिट नोट इशू करना है उसकी डिटेल फर्निश करें, उसकी लास्ट डेट है, बट डेबिट नोट की कोई भी लास्ट डेट नहीं है जी। अच्छा फिर क्रेडिट नोट कब इशू करेंगे? क्रेडिट नोट आपका तब इशू करेंगे अगर वैल्यू ज्यादा है, हमें वैल्यू कम करनी है। अब चाहे वो आपने सामान वापस कर दिया, चाहे गुड्स में कोई डेफिशिएंसी थी, चाहे गुड्स में कोई दिक्कत थी, अब गवर्नमेंट को लगा कि भाई साहब जो आपने वैल्यू चार्ज किया वैल्यू कम है, आपने जो चार्ज किया वैल्यू ज्यादा है इस वैल्यू को कम करो या रेट आपने कम करो। अब अगर मान लो वैल्यू हमें कम करनी है या रेट कम करना है, उस केस में डेबिट नहीं, फिर क्रेडिट नोट की बातें होंगी। अब सोच के बोला इन दोनों में से गवर्नमेंट को फायदा किसमें है? मेरे को सिर्फ बता दो कि चाहे मैं डेबिट नोट की बात कर रहा हूं, चाहे मैं क्रेडिट नोट की बात कर रहा हूं, सर मुझे फटाफट से बोलो ना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। आपको क्या लग रहा है सर? मतलब कई बच्चे मस्ती में इधर बैठे हैं, यहां पे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, आप लिख ही नहीं पाओगे वहां पे।
तो मैं दोबारा कह रहा हूं सर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो बहुत ध्यान से आंसर लिख के आना जी। क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि अगर वैल्यू ज्यादा है वैल्यू कम करने उसके इसमें क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। अच्छा नुकसान किसमें है गवर्नमेंट को, क्रेडिट नोट में। फायदा किसमें, डेबिट नोट में। तो गवर्नमेंट ने बोला डेबिट नोट तुम कभी इशू कर सकते हो, बट तुम क्रेडिट नोट जो इशू करोगे ना वो अगले साल के सितंबर के मंथ के एंड तक इशू करोगे। बस ये बात ध्यान देना जी। एक बार मैं दोबारा कह रहा हूं जी, अगर आप क्रेडिट नोट इशू करोगे तो क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट जो होगी अगले साल के सितंबर के मंथ के एंड तक तुम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, उसके बाद तुम इशू नहीं कर सकते। एक बार यहां पे चेक करना देखो जी। पहली बात तो ये कौन किसको इशू करेगा, सप्लायर इशू करेगा रिसीवर को। अब देखो क्रेडिट नोट का मतलब क्या है, टैक्सेबल वैल्यू इन टैक्सेबल टैक्स इनवॉइस इज फाउंड, मतलब हमें वैल्यू ज्यादा मिली तो टैक्सेबल वैल्यू का ज्यादा मिली है उसके इसमें रीजन क्या क्या है जी, तो जीएसटी चार्ज ऑन टैक्सेबल वैल्यू फाउंड टू बी एक्सेड, मतलब जीएसटी भी ज्यादा है और या तो आपने सामान वापस कर दिया या गुड्स में कोई भी दिक्कत है, उस केस में गवर्नमेंट कहना चाह रही है तुम क्या इशू करोगे, क्रेडिट नोट इशू करोगे जी। अब यहां पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है, देखो जी मेन जो मुझे पॉइंट दिखाना है कहां गया, ये देखो जी यहां पे क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट है, ये देखो जरा एंड ऑफ दिस सितंबर, देखो टाइम लिमिट फॉर द इशू ऑफ क्रेडिट, मतलब लास्ट डेट है सर, इसके बाद तुम क्रेडिट नोट इशू कर नहीं सकते जी। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, इस बार भी बन सकता है, जो मैं कह रहा हूं सारे बच्चों को डाउट नहीं है बट जिनको भी डाउट है ना बहुत ध्यान से, डेबिट नोट में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट सिर्फ क्रेडिट नोट के अंदर है, ये बात क्लियर है जी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिटेल ऑफ क्रेडिट नोट शैल बी इशूड टिल द एंड ऑफ द सितंबर मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई वॉज मेड, ये बात क्लियर है। तो 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर, तो ऑब्वियस बात है 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट बनेगी, बस ये बात ध्यान दो। क्रक्स का निकल क्या रहा है, क्रक्स निकल क्या रहा है कि अगर वैल्यू और रेट कम है हमें इंक्रीज करने हैं तो डेबिट नोट, और अगर वो ज्यादा है हमें कम करने तो क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे, बस ये बात ध्यान देना ठीक है। अब एक पॉइंट मुझे समझाना है जो इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी जी। सर एक बात में सोच के बताना, एक बात में सोच के बताओ, मान लो एक इनवॉइस इशू किया, एक इनवॉइस इशू किया, बस 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 सिर्फ पांच मिनट की बात हो, सिर्फ पांच मिनट की बात हो रहा है, सिर्फ पांच मिनट की बात हो, बिल्कुल सीधो के बैठ, बिल्कुल सीधो के बैठ जाओ, सिर्फ पांच मिनट की बात हो रहा है। एक बात मुझे सोच के बताना सर, मान लो एक इनवॉइस इशू किया, इस इनवॉइस में एक गलती हुई, इसमें दो गलती हुई, इसमें तीन गलती हुई, इसमें चार गलती हुई, इसी में पांच गलती हो गई, और ये सारी की सारी गलती एक साथ नहीं पता लगी, अलग अलग पता लगी। अब जब ये सारी गलती अलग अलग पता लगी तो पहले लो में लिखा था कि एक इनवॉइस के लिए एक ही डेबिट नोट इशू कर सकते हो, एक ही क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। अब सोचना सर, प्रैक्टिकली सोचना, एक इनवॉइस में कई बार एक ज्यादा गलती भी हो सकती है, एक गलती है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, तो अगर इतनी सारी गलती है, अगर इतनी सारी गलती है तो फिर हम क्या करें, क्यों, क्योंकि लो में क्या लिखा है कि वन इनवॉइस वन डेबिट नोट, वन इनवॉइस वन क्रेडिट नोट। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, दूसरी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि अगर मान लो मोर देन वन इनवॉइस है, दस मान लो दस इनवॉइस है और दस के दस में गलती है, और अगर दस इनवॉइस है दस के दस में गलती है तो हर गलती के लिए अलग डेबिट नोट जाएगा, अलग क्रेडिट नोट जाएगा, मतलब अगर 100 इनवॉइस है तो 100 डेबिट नोट इशू करोगे, 100 क्रेडिट नोट इशू करोगे, तब जाके काम चलेगा। अब सारे लोगों ने गवर्नमेंट से बोला कि गवर्नमेंट ने क्या हुआ, उन्होंने कहा ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, गवर्नमेंट का बात तो सही है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, अगर तुम्हारे ऊपर इतने कंप्लेक्स बर्डन आ रहा है तो इसको हम कम करेंगे जी। तो याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि फाइनली गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की है कि अब तुम एक इनवॉइस के लिए मोर देन वन डेबिट नोट या मोर देन वन क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हो। इट मीन्स अगर तुम्हारा एक इनवॉइस है उसमें मल्टीपल मिस्टेक है, उसमें मल्टीपल मिस्टेक है तो एक सिंगल इनवॉइस के लिए भी मोर देन वन डेबिट नोट और मोर देन वन क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। और दूसरी बात जी, अगर आज 10 इनवॉइस हैं, 10 के 10 में कोई गलती है तो उन 10 इनवॉइस के लिए एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल जो होगी 10 के 10 की उस तुम डेबिट नोट क्रेडिट नोट में डाल देना जी। तो आपको मैं एक बार दिखाता हूं, देखो यहां पर क्या लिखा है, ये देखो असेसी और सप्लायर कैन इशू मोर देन वन क्रेडिट नोट फॉर वन टैक्स इनवॉइस। देखो आगे मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, एक टैक्स इनवॉइस के लिए एक से ज्यादा क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं, मतलब एक टैक्स इनवॉइस के लिए एक से ज्यादा क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हैं, और एक इनवॉइस के लिए मोर देन वन क्रेडिट नोट और मोर देन वन डेबिट नोट भी इशू कर सकते हैं जी। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट बस आपको यहां पर बस ये देखना है कि भैया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है उसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है जी। लास्ट टाइम रिवीजन करा रहा हूं सर, सप्लायर इशू करेगा रिसीवर को,
डेबिट नोट तब करेगा अगर वैल्यू कम है, वैल्यू बढ़ानी है, अगर ज्यादा है कम करनी है तो क्रेडिट नोट इशू करेगा। डेबिट नोट में गवर्नमेंट को फायदा है क्योंकि अगर वैल्यू बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, आईटीसी ऑब्वियस पता आईटीसी तो बढ़ेगा, बट अगर टैक्स बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उस केस में हम तुम्हें लास्ट डेट इशू करने की वो नहीं दे रहे। क्रेडिट नोट में वैल्यू कम होगी, टैक्स कम होगा, हमें रिफंड करना पड़ेगा, इसलिए तुम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो अगले साल के सितंबर के मंथ की एंड, इसके बाद तुम इशू नहीं कर पाओगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ये बात क्लियर है। और फिर यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि एक इनवॉइस के लिए मोर देन वन डेबिट नोट, मोर देन वन क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, और मोर देन वन इनवॉइस के लिए एक सिंगल डेबिट नोट और एक सिंगल क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हो। ये सारी बातें आपके निकल के आ रही है जी, ठीक है। तो फाइनली अब जाके पॉइंट हमारा क्लियर हो गया जी, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपके नोट्स में पॉइंट होगा, एक बार उसको देख लेना जी। अच्छा एक पॉइंट ना बस एक बार और देख लो जी, ये वाला पॉइंट जरूर देख लो यार, मुझे नहीं पता रेगुलर बैच वाले बच्चों को तो पता होगा, ठीक है। सिर्फ मैं उनके कह रहा हूँ जो यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं, एचएसएन कोड की ना अब लिमिट चेंज हो चुकी है जी, अब एचएसएन कोड की लिमिट चेंज हो चुकी है। लिमिट का मतलब यह कि पहले एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट होती थी 5 करोड़ के बाद नॉर्मली, अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर 5 करोड़ तक भी टर्नओवर है तो 4 डिजिट का एचएसएन कोड अब जरूरी हो चुका है जी। मतलब पहले जरूरी नहीं था, अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ तक होगी ना तो जितने भी आपके इनवॉइस कटेंगे हर इनवॉइस में B2B वाले केस में, B2C वाले केस में नहीं, B2B वाले केस में तुम्हें एचएसएन कोड जो होगा तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा 4 डिजिट का, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का, और कुछ केस ऐसे होंगे जहां पे 8 डिजिट का भी होगा, कुछ केमिकल है वो हमें याद नहीं करने, बट हां अगर B2B वाला केस नहीं है, B2C वाला केस है उसमें तुम्हारे लिए ऑप्शनल है तुम एचएसएन कोड मेंशन करो या ना करो। तभी बच्चा कहता है सर जितने बच्चे मेरे सामने बैठे, जितने बच्चे भी थोड़े बहुत बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, याद करो जब भी आपने इनवॉइस अब लिया होगा आपके इनवॉइस में अगर एचएसएन कोड नहीं लिखा होगा घबराने की बात है, क्योंकि हम B2C हैं, तो B2C वाले केस में ऑब्लिगेशन नहीं है, B2B वाले केस में ऑब्लिगेशन है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फटाफट से देख लो जी, द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निश एचएसएन कोड इन टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिवाइज विद इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2021, अमेंडमेंट हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। अगर टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तो 4 डिजिट का, मोर देन 5 तो 6 डिजिट का, और कुछ केस में 49 केमिकल है जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है उसमें 8 डिजिट का होगा। देखो मैंने साइड में क्या लिखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ टू अनरजिस्टर्ड, मतलब B2C वाले केस में मेंशन ऑफ एचएसएन कोड इज ऑप्शनल, मतलब वहां पे मेंशन करना ऑप्शनल है, उस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो बस ये मेन बातें आपकी थी जी, और तो कोई खास लंबी चौड़ी बात यहाँ पे है नहीं। बाकी ई इनवॉइस और QR कोड में क्या डिफरेंस है तो ये तो मैं आपको बता दिया था रेगुलर बैच के अंदर भी और अमेंडमेंट में के अंदर में डाला है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे चांसेस हैं, इवन पूरे भी नहीं 1000% चांसेस हैं इसका क्वेश्चन बनने के, या तो वो दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा, या वो ई इनवॉइस की बात करेगा, या वो किसकी बात करेगा जी, डायनेमिक QR कोड की बात करेगा जी। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किए हुए जी, इसको अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, फिर पूरे के पूरे नंबर हमारे को और 100% बनने के चांस हैं, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। तो बस फिर बाकी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर जी, डेबिट नोट क्रेडिट नोट हो गया, उसके बाद टैक्स इनवॉइस की, अच्छा टैक्स इनवॉइस की ये तो आपका आ गया टैक्स इनवॉइस, हाँ टैक्स इनवॉइस की 3 कॉपी होती है, ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, ओरिजिनल बायर के पास, ये ट्रांसपोर्टर या सप्लायर, ओके डन है जी। बस ये तो बिल्कुल बेसिक बातें यार, चलो ठीक है जी। तो फाइन ये डिलीवरी चलान हो गया जी, ये 46A हो गया कि अगर कोई एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों सप्लाई करता है तो अलग अलग, मतलब अलग अलग बिल ऑफ सप्लाई और इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मान लो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, कंबाइन सप्लाई कर रहा हूँ, उस केस में यहाँ पे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई आप इशू कर सकते हो। ये बातें आपने क्लास के अंदर पढ़ी होंगी सर, अब मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बातें आपने सारी की सारी क्लास के अंदर पढ़ी होंगी, ठीक है। चलो जी अब फाइनली फिर मुलाकात करेंगे, कब मुलाकात करेंगे जी, अब मुलाकात करेंगे रात को 9 बजे, वो भी प्रीमियर ही चलेगा सर, ठीक है जी, क्योंकि जब तक थोड़ा सा मैं मतलब नेट थोड़ा सही से काम ना करे, वैसे तो मैं लाइव आता हूँ उसमें दिक्कत नहीं थी, कल भी अटक रहा था बीच बीच में, बट फिर चल रहा भी रहा था और फिर एक बार अटक गया तो फिर अटक ही गया, बट प्रॉब्लम क्या है सर, उससे ना आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, क्योंकि एक चीज मैं बार बार पूछा हूँ, लाइव आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया पढ़ने का टाइम है, सिंगल मिनट भी अगर आपका वेस्ट हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो हमें देखने से मतलब है, हमें रिविजन करने से मतलब है, उम्मीद करूंगा आप इसको जरूर देखोगे जी, ठीक है। मेरा काम यह है आपको रिवीजन करवाना, आपने कमिटमेंट मुझे पूरी करनी है, रात को 9 बजे मुलाकात करेंगे रिफंड के चैप्टर के साथ जी, ठीक है। एक बार फटाफट से और सुपर फास्ट रिवीजन होगी जी, ये मत कहना कि आराम से होगी, आराम से आपने पहले घर में पढ़ा होगा, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर रिवीजन क्लास डाली हुई है डिटेल वाली, आपने वहां से देखी होगी, अब होगी सुपर फास्ट,
एक बार अगर हमने पहले पढ़ा तो आपको रिकॉल हो जाएगा, फिर बाकी जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे उसके क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे जी। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी रात को 9 बजे सेम टाइम पर, सेम जगह पे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, नोनू मेरा, सोनू मेरा, बैंगनी मेरा, मेहरून कलर का बच्चा, ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेंशन मत लो जी, बिल्कुल टेंशन मत लो सर, आपने तैयारी अगर अपना बेस्ट दिया है 100% एग्जाम क्लियर होंगे, अगर आपने अपना बेस्ट दिया तो, नहीं दिया तो मुझे नहीं पता, बट आपका दिल गवाही दे देगा कि आपने कितना बेस्ट दिया जी, और अगर दिया है 100% पास होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना जी, ठीक है, ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, चलो चलो फिर आपसे मुलाकात करते हैं रात को 9 बजे रिफंड के चैप्टर के साथ, एक बार अपने नोट्स खोल के बैठ जाना रिफंड के, जिनके पास भी नोट्स हैं और जो कहीं से भी पड़े हुए हैं रिफंड के नोट्स उनके पास भी होंगे, एक बार वो भी आप खोल के बैठ जाना, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय।